सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद हुआ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं की गई है फ्रेंड्स। तो इस महीने के लास्ट तक लॉन्च हो जाएगी अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इनमें से आप कोई ऑप्शन को चूज कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दो ही स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ, ज्यादा मैं आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ। बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स मैंने देखे हैं फ्रेंड्स इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं इसी महीने के लास्ट तक, लेकिन ऐसा मैं दो स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ जो कि सबसे बेस्ट है और आपको 10-11,000 के अंडर प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें से आपको अच्छा फीचर्स भी देखने को मिलता है और अच्छा डिजाइन भी। तो फ्रेंड्स, तो मैं सारा कुछ कंपैरिजन कर लिया हूँ, उसके बाद ये स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को भी कंपैरिजन करके हम इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो फ्रेंड्स। दो ही स्मार्टफोन्स मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, इस महीने के लास्ट तक बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं लेकिन मैं दो ही स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ज्यादा ऑप्शन, कहा जाता है कि ज्यादा चूज करना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, दो नाय पर चढ़ना, और आप लोग समझ ही गए होंगे, बात तो सही है। तो ये सब अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं दो ही स्मार्टफोन्स लेकर आया हूँ, मैं बहुत ज्यादा 10-15-20 स्मार्टफोन्स को कंपेयर करके दो ही स्मार्टफोन्स चूज करके लाया हूँ फ्रेंड्स, और दोनों स्मार्टफोन्स को हम इस वीडियो के अंदर चूज करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स कि दोनों में से बेस्ट फीचर किसके अंदर देखने को मिलता है, डिजाइन किसके अंदर अच्छा है, प्रोसेसर किसके अंदर अच्छा है, बैटरी किसके अंदर, तो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं और ये सब का आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 11-12,000 के अंडर प्राइस में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से दोनों स्मार्टफोन को कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा एक तरफ का फोन निकल के आता है Realme का C53। अगर हम इसका डिजाइन के बारे में बात करें तो आप लोग को बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आईफोन जैसा लुक दिया गया है और आईफोन के जैसा कैमरा भी दिया गया फ्रेंड्स। अगर हम इसका प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 9,799 रुपये होने वाला है, लगभग 10,000 अराउंड आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये अच्छा प्राइस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम इसका प्रोसेसर के बारे में आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम दूसरा फोन के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरे तरफ का फोन निकल के आता है लिको का S1 Pro। फ्रेंड्स, ये पहला स्मार्टफोन है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, ये कंपनी का कोई स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं की गई थी। गजब टूबी बाज आदमी, छोटा छोटा गैजेट, ईयरबड्स, ईयरफोन्स और छोटा छोटा गैजेट वगैरह निकालती थी कंपनी, लेकिन स्मार्टफोन्स लेकर आई है तो ये काफी अच्छी खबर है क्योंकि इसमें आपको अच्छा फीचर्स और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। अच्छा प्रोसेसर दिया गया है फ्रेंड्स, इसका नाम ही LECO S1 Pro है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने इसका लिको S1 Pro नाम रखा है फ्रेंड्स। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, तो मुझे जैसा ठीक लगा है मैंने नाम लग दिया, लेकिन आप लोग को जैसा ठीक लगता है आप लोग रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसका बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा स्मार्टफोन मैंने देखा है ब्रांडेड है, जो कि रियलमी का था, पोको का था, मोटो का था, बहुत सारा स्मार्टफोन मैंने देखा है, लेकिन इसके कम्पेयर मैंने देखा प्राइस के हिसाब से तो ये मुझे बेस्ट लगा फ्रेंड्स, तो ये मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो इसका हम जल्दी से रिलीज के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों फोन को लॉन्च कब होने वाले हैं इंडिया के अंदर। बोल पत्ता बोल फ्रेंड्स, रियलमी C53 इंडिया के अंदर 19 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है, बिल्कुल फ्रेंड्स लॉन्च हो जाएगी। गजब टू बी बाज आदमी, 19 जुलाई को लगभग 2-3 दिन के अराउंड में ये रिलीज हो जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि अच्छा इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आप इसको बाय कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छा स्मार्टफोन है, मैंने बहुत सारा स्मार्टफोन को कंपेयर करके देखा है तो ये मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगा। तो मैं सारा प्रोसेसर आपको आगे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि कैसा प्रोसेसर इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स, लिको S1 Pro के लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो ये आपको 22 जुलाई 2023 को इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये 22 जुलाई को रिलीज हो जाएगी इंडिया के अंदर। आप मार्केट से जाकर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आपको अमेजोन पर देखने को दोनों ही फोन देखने को मिल जाएगा। अमेजोन पर आप जाकर वहां पर दोनों सेम प्राइस में बाय कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन जाकर मार्केट से बाय करना चाहते हो तो ये भी आपको सेमी प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट में अभी जाते हो लगभग 200-400 रुपये आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि नया आया है और पुराना जैसी हो जाता है तो थोड़ा सा आपको 500-1,000 रुपया कम देना पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये अभी आप खरीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हो फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, फ्रेंड्स अगर लिको ब्रांड के बारे में बात करें तो ये नया ब्रांड है, आपको लग रहा होगा नया, लेकिन
ये छोटा छोटा गैजेट पहले बनाती थी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन अब स्मार्टफोन से लेकर आया है तो अच्छा खबर है। अगर आप पहले एक्सपीरियंस कर लेते हो कि कैसा चलता है, कैसा परफॉर्मेंस है, ये अच्छी बात रहेगा फ्रेंड्स। पहले आप किसी को खराब नहीं कर सकते हो। अगर बात तो सही है लिको है तो कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। लिको अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो काफी कंपनी को फेल भी कर सकते फ्रेंड्स। तो ऐसे किसी को खराब नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मैंने ज्यादा कंपेयर करके देखा बहुत सारा स्मार्टफोन को, तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका कंपेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से दोनों फोन के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Realme के अंदर आपको 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। इसमें आपको Unisoc T612L का बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। Unisoc का प्रोसेसर जो T612 का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर आता है फ्रेंड्स। ये आप गेमिंग कर सकते हो, आप घंटों गेमिंग बहुत देर तक कर सकते हो, आपका फोन लैग नहीं करेगा और हैंग नहीं होगा फ्रेंड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आप इसे अच्छा से एक्सपीरियंस कर पाओगे फ्रेंड्स। वहीं पर हम लिको S1 Pro के बारे में बात करें तो इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको Realme से ज्यादा रैम देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। अगर इसका प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको Unisoc Tiger का 7510 का बहुत बड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 7510 का बहुत बड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो बेझिझक यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। आप YouTube के लिए वीडियो शूट करना चाहते हो तो बेझिझक शूट कर सकते हो फ्रेंड्स। आप 2K तक इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। गजब टू बीवाज आदमी। तो फ्रेंड्स दोनों फोन के अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको लिको S1 Pro ही बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। इसमें आपको प्रोसेसर और रैम दोनों ही ज्यादा देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम दोनों फोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो Realme के अंदर आपको बैक साइड में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जिसमें मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। आपको फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सेल्फी कैमरा भी आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। 1920 से लेकर 720p तक 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट कैमरा से फ्रेंड्स। तो बैक कैमरा से आप 1080p से 720p तक 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। इस फोन के अंदर आपको दोनों ही कैमरा जबरदस्त देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो ये फोन आपको कैमरा के मामले में बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। What? लिको S1 Pro के बैक साइड में आपको 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। इसका फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको कैमरा सेटअप बहुत खराब देखने को मिल रहा है क्योंकि 13 मेगापिक्सल का कैमरा आजकल बहुत ही खराब आ गया है, नहीं होगा। तो कैमरा के मामले में ये फोन आपको थोड़ा सा बैडली रहने वाला है। तो कैमरा के मामले में आपको Realme ही बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा क्या होता है, डिस्प्ले बड़ा रहना चाहिए फोन का, तो थोड़ा सा हैंडी फील बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो Realme के अंदर आपको 6.74 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। इसमें आपको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाटर नॉच का भी डिस्प्ले इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। क्या बोला तूने? और इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो रिफ्रेश रेट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है और आपको स्क्रीन का साइज भी देखने को अच्छा ही मिल रहा है फ्रेंड्स। 6.74 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप पॉकेट में रखते हो, हैंड में रखते हो, बहुत अच्छा फील होगा फ्रेंड्स। तो इसमें आपको डिस्प्ले साइज अच्छा ही देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम लिको S1 Pro के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 6.74 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा बैटरी है, प्राइस इसमें ज्यादा देना पड़ रहा है, लगभग 400-500 रुपया, और इसमें आपको थोड़ा सा डिस्प्ले तो ठीक ही है, लेकिन रिफ्रेश रेट इसमें थोड़ा सा कम दिया गया है कि आपका रिफ्रेश रेट ज्यादा अच्छा से काम करता है तो आपको फोन चलाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, स्मूथली फील होता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो इसमें आपको डिसेंट ही रिफ्रेश रेट दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोनों का कंपेयर के हिसाब से बारे में बात करें तो इसमें आपको Realme ही बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सभी को क्या सोचते हैं कि एक बार फोन को चार्ज करें और 2-3 दिन तक चलाएं। बात तो सही है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको दोनों ही फोन के अंदर आपको 5000 mAh की लिथियम प्रीमियर का लगा हुआ
लंबा बैटरी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स किसके अंदर, तो लिको S1 प्रो के अंदर आपको 10 ही वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल रहा है लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, और आपको 10 वाट का ही चार्जर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन आपको Realme C53 के अंदर आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको टाइप सी के पोर्ट भी देखने को मिल रहा है और इसमें आपको सुपर वूक चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको सुपर वूक चार्जर देखने को मिलेगा, 33 वाट का सुपर वूक चार्जर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, तो ये काफी अच्छी बात है। इसमें आपको लगभग 1 घंटा के अंदर आपका फोन पूरा 1 से 100% तक चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप 1-1.5 दिन तक लगभग 48 घंटे तक अपना फोन को चार्ज रख पाओगे फ्रेंड्स, आप अपने फोन को यूज कर पाओगे फ्रेंड्स। तो इसमें आपको यूज तो उतना ही कीजिएगा फ्रेंड्स, 2-3 दिन तक यूज कर पाएगा लिको S1 प्रो के अंदर भी, लेकिन आपको चार्ज लगभग 2 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। तो बैटरी सेटअप के मामले में आपको Realme ही बेस्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। दोनों ही फोन के अंदर आप 2 सिम के साथ 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो फ्रेंड्स, तो ये काफी अच्छा बात है कि दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। दोनों ही फोन को आप घर में लेके जाकर बल्ब को बंद कर अंधेरे में 3.5 mm जैक का उपयोग कर सकते हो फ्रेंड्स। शट ऑफ, गाली मत दे, माँ बहने बैठी हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि आप जाकर अकेले में हेडफोन जैक का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। दोनों ही फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि बहुत फास्ट काम करता है, और फेस लॉक का भी ऑप्शन दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छा बात है कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और आपको फेस लॉक भी देखने को मिल रहा है, और पता नहीं ऐप लॉक भी दिया होगा शायद, तो फोन यूज करने के बाद ही ये पता चल सकता है फ्रेंड्स, लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि और इसमें फंक्शन क्या दिया गया है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया फ्रेंड्स। दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात करें तो Realme C53 के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, और वहीं पर लिको S1 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का ही वर्जन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो एंड्रॉइड 11 का वर्जन बहुत खराब वर्जन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, शायद अपडेट करे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें लाए तो काफी अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन एंड्रॉइड 13 का वर्जन नॉट गुड, इट्स बैड। दोनों ही फोन के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी दी गई है फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ही फोन को बाई फ्रेंड्स दोनों ही फोन के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी दी गई है फ्रेंड्स, अगर दोनों फोन को में से अगर किसी को बाई करना चाहते हो तो दोनों ही फोन में आपको 1 साल की वारंटी दी गई है फ्रेंड्स। अगर आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप बाई कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन रिलीज होने के बाद फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा कंपेयर आपको कैसा लगा, आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका एक एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलती है ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बिल्कुल लीगल रहता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं फ्रेंड्स, जो रहता है वही इन्फॉर्मेशन आपको हम लाकर देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफॉल्ट लग रहा है मेरे वीडियो के अंदर और मेरे बात पर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप फोन को बाय करते होंगे, तो आप देखिए फ्रेंड्स क्या कंपैरिजन होता है, सेम कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाइए घर में और 3.5 mm हेडफोन जैक का उपयोग करिए फ्रेंड्स। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना।